नैनपुर से मध्य प्रदेश और देश में बढ़ते भाजपा के हिटलरशाही शासन के रवैये के खिलाफ आज जिला ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में नैनपुर में विशाल हुंकार रैली का किया आयोजन। देश में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार के विरोध में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा निवास, विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले, मंडला के पूर्व विधायक संजीव उइके उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। विक्रांत भूरिया के आगमन पर उन्हें नगर में बूंदी के लड्डुओं से तोला गया। विक्रांत भूरिया ने अपने उद्बोधन में केंद्र और राज्य सरकारों को महंगाई के विरोध में जमकर कोसा। पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दाम, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी करने, लगातार बढ़ती महंगाई से आम नागरिकों का जीना दुभर हो गया। केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूरिया ने कहा, शासकीय संस्थाओं को निजी हाथों में बेचकर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। नैनपुर नगर पालिका के 3 साल पूरे होने पर घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं किया गया। नैनपुर नगर पालिका द्वारा 1000 दुकान बनाने के संबंध में झूठा वादा किया गया। खुलेआम नगर पालिका में भ्रष्टाचार किया जा रहा, ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे, किसानों के मामले में हिटलर शाही का रवैया केंद्र सरकार अपना रही, किसान आंदोलन पर 200 किसानों की मौत पर भूरिया ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। नगर पालिका नैनपुर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर नगर पालिका के वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के विरोध में गंभीर आरोप लगाकर नगर पालिका नैनपुर का घेराव किया गया। यूथ कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, ये कोई भी सरकार चलाने के लिए पैसा लगता है और पूरा का पूरा इस सरकार ने पैसा विधायकों को खरीदने में और मंत्रियों को खरीदने में पूरा खपा दिया। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा महिला अत्याचार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये लोग सिर्फ सत्ता में आना जानते हैं, जनता का सम्मान रखना नहीं जानते। और यूथ कांग्रेस की जवाबदारी है, हम सबसे सशक्त और संगठन के रूप में मध्य प्रदेश में उभरेंगे और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हमसे खौफ खाएगा। अगला कारण होता है, क्या कारण था कि मंडला जिले जो आदिवासी अंचल क्षेत्र है इसको चुना गया? आप तो देखते जाइए, छोटी छोटी जगह भी सैलाब उमड़ेगा तब जाकर ये भागेंगे। और भोपाल में जब इकट्ठा होंगे, हम 3 तारीख को जबरदस्त विधानसभा घेराव करने वाले थे। जैसे ही इनको यूथ कांग्रेस के घेराव के बारे में पता लगा, इन्होंने कोविड की गाइडलाइंस लगा दी, कोविड का प्रोटोकॉल लगा दिया कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जब इनके नेताओं की शादी में हजारों लोग इकट्ठा होते तब इनको कोरोना नहीं दिखता, तब कोविड प्रोटोकॉल नहीं दिखता। ये हमसे डर कर, ये शिवराज सिंह चौहान, ये वी डी शर्मा और ये भाजपा के लोग हमसे डर कर इन्होंने इस तरह का गंदा नाटक करा है। ये लोकतंत्र है, इसमें आपको अपना प्रदर्शन की और अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, पर इस तरह से ये कायरता करेंगे तो हम इसको सहने वाले नहीं। कमलनाथ सरकार पहले युवाओं को मार रही थी, किसानों को मार रही, आज हमारी बहनों को भी मारा गया, ये हम नहीं सह सकते। हम पूरी ताकत से उनके इस सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार दोगली सरकार है, जब सत्ता में आना होता है तब महिला सम्मान की बात करती है, युवा रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है। और आज जैसे ही सत्ता में आए तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार कर दिए और बोलते हैं कि महंगाई का है। इनके सांसद, ये इस जिले से 2 सांसद दिए बीजेपी को, उसके बाद भी इतने ज्यादा वो किसान फरामोश है कि जनता की आवाज में उनके साथ खड़े नहीं रह सके। आज युवा बहुत आक्रोशित है क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई ने हमारी भी कमर तोड़ी है, मध्यम वर्गियों की भी कमर तोड़ी है और गरीब की भी कमर तोड़ी है। ये मंत्री संतरियों को गरीबी का पता कहां से चलेगा जब बड़े बड़े काफिले के साथ ये घूमते हैं? तो इनको जमीन पर लाने के लिए हमें भी जमीन पर उतरना पड़ा और इनको, ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और यूथ कांग्रेस यहां ही नहीं पूरे प्रदेश में ईंट की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। ऐसे खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।